हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। तो यार उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और वीडियो का थंबनेल देखकर आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। लेकिन यार उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं गाइस। जैसे अपने 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, जैसे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, और अगर आप लोगों का मुझे अच्छा सपोर्ट रहा तो हम लोग डुओ और सोलो के मैचेस रखेंगे जिसमें विनर को प्राइज़ भी मिलेगा। तो गाइज़ अगर आप लोग मैचेस के लिए इंटरेस्टेड हो, टूर्नामेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और 500 सब्स तो क्या यार आप ऐसे पूरे कर दोगे, मुझे पता है। और एक बात गाइज़, हम लोग अपने क्लैन के मतलब अपने वन साइड क्लैन के लाइनअप बना रहे हैं। मतलब अभी डेली के जो कस्टम रूम मैचेस होते हैं, मतलब टायर 2 के टायर 3 के जो स्क्रीम्स होते हैं, वो लोग हम डेली खेलते हैं। तो अपने ऑलमोस्ट गाइज 2 लाइनअप कंप्लीट हो चुके हैं। और भी हमें लाइनअप बनाने या फिर और भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो गाइज जिसको भी इंटरेस्ट होगा हमारे क्लाइंट से अपने लाइनअप से खेलने के लिए, तो गाइज मुझे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो यार सीज़न 11 में गाइज मैंने कंप्लीट किया कॉन्करर डुओ में। कॉन्करर किया मैंने, ज़्यादा टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था भाई। मतलब मेरा परफॉर्मेंस देख के तो यार मैं इतना प्रो बंदा तो हूँ नहीं। मतलब आपने अभी देखा ही होगा मेरा 2.31 का KD लेके मैं कॉन्करर पहुँचा हूँ, तो इतना भी प्रो बंदा नहीं हूँ मैं। तो यार मुझे मेरे दोस्त लोग बोलने लगे कि भाई कैसे किया हमें भी बता, मतलब क्या तेरे ट्रिक्स है, क्या तू कैसे खेलता था, क्या कहाँ पे कैंपिंग करता था। तो यार मेरे पास टिप्स या ट्रिक्स ऐसे कोई नहीं है, मतलब मैं बहुत कैंपिंग करके ही खेला हूँ। मतलब 100 में से मैं 60% तो मैं कैंपिंग करके खेला हूँ। या आप लोग को मेरे KD देख के पता चली गया होगा। तो यार गाइज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत से बंदे देते भी यार, और हमें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देके आपको पकाना नहीं है। तो यार मैं बस आपको बताऊंगा कि मैं कैसे सर्वाइव करता था। मतलब एक नॉर्मल बंदा, मतलब मेरा देखो यार एवरेज KD मेरा रहता है 2 का, मतलब हर सीज़न ही। तो यार मैं कैसे सर्वाइव कर पाता था ऐसे हार्ड लॉबी में। मतलब आप समझ सकते हो यार एस कॉन्करर कितने हार्ड लॉबी होती है यार, बहुत लेजिट लेजिट बंदे होते हैं यार, बहुत मस्त बंदे खेलते हैं। तो यार इनके बीच में मैं कैसे सर्वाइव करता था। तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट डायमंड तक मैं ऐसे ही रैंडम ही खेलता था यार, मैं बहुत ज़्यादा कैंपिंग करता था। डायमंड भी नहीं, मैं क्राउन तक रैंडम खेला तो यार मैं बहुत ज़्यादा कैंपिंग करता था। फिर यार जैसे क्राउन के आगे गया यार, मतलब बस सर्वाइव से पॉइंट नहीं मिलते थे। मतलब आपको गेम के अंदर परफॉर्मेंस भी करना होता है। आप अगर सोचोगे कि यार मैं जाऊंगा बस गेम में बैठा रहूंगा कहीं पे टॉप 10 में आ जाऊंगा, और टॉप 10 में मर भी गया तो मेरा प्लस होगा, तो गाइस क्राउन 3 क्राउन 2 ऊपर ऐसा नहीं होता। क्राउन से ऊपर आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, गेम में किल्स भी लेने पड़ते हैं। तो यार मेरे पास डुओ में रैंक पुश करने के लिए कोई बंदा नहीं था, मतलब मैं डायमंड तक रैंडम ही खेला। तो यार कैंपिंग की वजह से मेरा स्टैट्स भी बहुत गिर चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 3 का 3.5 का KD था। तो क्राउन से आगे यार कैंपिंग करके पॉइंट भी नहीं पड़ते थे, और मेरे पास पार्टनर भी नहीं था। तो मेरे दोस्त को मैं बोला, CID मंगू करके मेरा दोस्त है, उसको बोला मैं कि भाई चलो खेलते यार डुओ में, रैंक पुश कर रहा हूँ, मेरे पास पार्टनर नहीं और क्राउन से आगे बहुत हार्ड प्लेयर आ रहे। तो भाई के साथ खेला मैं। तो यार आप सीज़न 12 में कॉन्करर करने का सोच रहे हो तो भाई आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। एक तो यार आपके पास अच्छा पार्टनर होना चाहिए, जो यार टाइम पड़ने पे मतलब जब आप नॉकआउट हुए हो तब वो 1v2 कर जाए, मतलब वो सामने वाले दो बंदों को मार जाए या फिर वो सिचुएशन वो हैंडल कर पाए। और दूसरी चीज़ यार आपके पास पेशेंस लेवल 100 होनी चाहिए गाइस, बहुत पेशेंस के साथ खेलना है। तो यार क्या होता है ना कि आप 4 मैच या 5 मैच में अगर आप 50+ करते हो यार, और वही 50 आपके 1-2 मैच में जाते हैं, या फिर हैकर आके मार देता है, फिर वही 50 आपके 1-2 मैच में माइनस हो जाते हैं, तो बुरा लगता है यार। और कई मेरे साथ जो स्टार्टिंग में खेलने वाले बंदे थे, मतलब ऐसे मुझे रैंडम मिलते थे, वो बंदे यार बाद में छोड़ भी दिए रैंक पुश, बोल रहे कि यार हमसे नहीं होता, बहुत माइनस होता है ऐसा वैसा। तो यार आपको पेशेंस रखना है यार, कुछ भी हो जाए हमें अगर रैंक पुश करनी है तो करनी ही है भाई, पीछे हटना नहीं। अगर एक बार आपने रैंक पुश कर दी तो भाई आपको करनी ही है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो चलो भाई आपको पकाते नहीं है, सीधा आपको ले चलते हैं हमारे प्लेस पे। तो गाइस टॉप 5 प्लेस मैंने अपनी शूट करके रखी है। और एक चीज़ गाइस, ये जो 5 प्लेसेस है तो आप
ये देखने के बाद आप मुझे बोलोगे कि भाई ये सब पुरानी प्लेसेस है या फिर ये हमें पता है, हमें या फिर ये सब लोग को पता है। तो गाइज़ ये मैं आपको ऐसा कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मतलब आपको ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं कि मैं कैसे सर्वाइव करता था। तो चलो भाई लोग चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो गाइस नंबर 5 की प्लेस है हमारी गटका। तो भाई रैंक पुश के टाइम मतलब सेफ खेलना हो तो यार गटका, सेवरनी या फिर यासना, यार ये जगह बहुत बेस्ट होते हैं। तो गाइस मैं गटका में बहुत ज़्यादा आता था, मतलब यहाँ पे बॉट भी बहुत मिलते थे मारने के लिए और यहाँ पे एनिमीज भी आते थे और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम मार ही पाएंगे, मतलब इतना भी नूब नहीं है हम। तो गाइस देखो यहाँ पे ऊपर आके बैठने का, यहाँ पे पीछे जहाँ से मैं सीढ़ियों से चढ़ा वहाँ से चढ़ के इधर सोने का, मतलब यहाँ से देखो पूरा कवर मिलता है हमें और ना यहाँ से आप देख के मार भी सकते हो, मतलब गाड़ी वाड़ी कोई भी आ जाओ बंदों को, सामने के बंदों को एकदम एकदम से समझ नहीं आएगा कि यार आप कहाँ से मार रहे हो। और अगर आपका स्प्रे अच्छा हुआ तो आप सामने वाले बंदों को चांस देंगे ही नहीं दोबारा, मतलब एक ही स्प्रे में आप उसको डाउन कर सकते हो। तो यार ये जगह भी मुझे बहुत पसंद आती थी और यहाँ पे मैं ज़्यादा जाके बैठता था। और अभी आप बोलोगे कि यार ये पता है या ये पुराना है, तो यार मैं आपको नया कुछ बता नहीं रहा हूँ यार, मैं बस अपना बता रहा हूँ। तो अभी चलते हैं हमारी प्लेस नंबर 4 की ओर। तो गाइज़ ये हमारी प्लेस नंबर 4 जो कि है रूइंस में। तो रूइंस यार आपको पता ही यार वहाँ पे जाना जाना कोई पसंद नहीं करता, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बंदे आते नहीं थे और यार हमें तो ऐसे ही जगह पसंद है। तो ये देखो यार रूइंस में जो चर्च रहता है, मतलब जो भी है ये चर्च, तो इसके यहाँ पे आके देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा ना रूम 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 भी नहीं बोल सकते हम, मतलब एकदम छोटा सा गैप यहाँ पे होता था, तो उसमें आकर मैं बैठता था जब मेरा पार्टनर नहीं था मेरे साथ, मतलब ऐसे रैंडम बंदों के साथ मैं खेलता था तो यहाँ पे आके मैं बैठता था। देखो यहाँ से आपको सामने का पूरा व्यू मिलेगा अगर आपके पास अच्छी गन हो, ये मैं ऐसे ही गन जो मिले वो उठा के लाया था। अगर आपके पास अच्छी स्नाइपर या फिर M4 और अच्छे आपके लिए स्प्रे के लिए गन हो तो देखो, और रूइंस में जब बंदे आते एकदम फास्ट तो यहाँ पे गाड़ियाँ एकदम से उनकी पलट जाते, या फिर ये आपको रूइंस की जगह आपको पता ही होगी गाड़ी के लिए कितनी अच्छी है। तो मैप में आप गाइस देख सकते हो एग्जैक्ट कहाँ पे ये प्लेस है। तो यार सर्वाइविंग के लिए यार ये भी प्लेस बहुत अच्छी है, और अगर जोन आपके साथ है मतलब वो सामने से जोन आ रहा है तो यार रूइंस में गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती है, मतलब अगर फास्ट चलाए तो वो पलटी वल्टी हो जाती है। तो यार सामने से बंदा है तो आप आराम से उनको पेल सकते हो। तो अभी देखते हैं हमारी प्लेस नंबर 3। तो गाइज हमारी प्लेस नंबर 3 भी एग्जैक्ट उसके सामने, मतलब वो चर्च के एकदम से सामने ही है। आपको ये पता ही होगा ये किला विला क्या ये पता नहीं मुझे, लेकिन एकदम ये टूटा फूटा हुआ है। तो इसके पीछे गाइज एकदम पीछे ऐसी जगह कि भाई वहाँ पे आपको कोई ढूंढ ही नहीं सकता, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई यहाँ पे भी कोई बंदा बैठा होगा। लेकिन ये जगह भी यार बहुत से बंदों को पता है, मतलब जो भी यार गॉड लेवल कैंपर जो हम बोलते हैं ना कि यार जिन जिनको मैच मैच खेलने का कोई होता ही नहीं, बस गेम में आके बैठ जाने का, उनके लिए गाइज ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो यार यहाँ पे मैं आराम करने के लिए आता था, मतलब आप समझ ही सकते हो मेरा आराम यार, मतलब सच बता तो कैंपिंग के लिए आता था। तो गाइज यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो यार, पूरा सामने का व्यू आ रहा है, मतलब या पानी से बोट आ रही है या फिर ब्रिज से कोई गाड़ी जा रही है। अगर आपका स्प्रे अच्छा हुआ आपका स्प्रे अच्छा होगा तो सामने के गाड़ी में से आप आराम से बंदा गिरा सकते हो, या फिर यार साइड से कोई बंदा जा रहा है, या फिर बहुत से बंदे कैंपिंग के लिए आते हैं। तो यार आपका गेम अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंट खुद पे आपको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं जाके उसको 1v1 में या फिर 2v2 आपका पार्टनर अच्छा होगा तो आप उसको मार सकते हो। तो यार ये जगह पे भी बहुत कैंपिंग करते हैं बंदे, यहाँ पे भी आप आकर उन्हें मार सकते हो। तो चलो भाई देखते हैं हमारी प्लेस नंबर 2। तो गाइज़ ये हमारा प्लेस नंबर 2 जो कि आता है स्कूल के यहाँ पे अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट्स में गाइज ये है मेन बिल्डिंग जो यार सबसे सेफ बिल्डिंग मानी जाती है, मतलब मेरे लिए तो सबसे सेफ बिल्डिंग है क्योंकि इसका टेरेस किसी और बिल्डिंग के टेरेस से दिखता नहीं है। तो ये मैप में आप देख सकते हो कहाँ पे है एग्जैक्ट बिल्डिंग कौन सी है। तो सिंपल गाइज आपको यहाँ पे चढ़ना है और यहाँ से
सीधा एक जंप करने आप आ जाओगे पेड़ के ऊपर। मतलब भाई ये है मेरी सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस ये है मेरी। मतलब इसमें अभी तो थोड़ा व्यू नहीं आ रहा, लेकिन आगे आपको व्यू दिखेगा। ज़्यादा व्यू आता नहीं है, लेकिन आपको यार सर्वाइव करना है तो गाइज़ ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। मतलब आपका पार्टनर अगर मर गया, या फिर आपका पार्टनर नूब है, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ आप सोलो वर्सेस डुओ खेल रहे हो, तो यार ये आपके लिए बहुत अच्छी प्लेस है। आपको बस सर्वाइव करना होता है यार। आप मस्त 2-4 किल, 5-6 किल आप लेके यहाँ पे आके बैठ जाओ यार। बस टॉप 10 में आना है हमको अभी, और क्या करना है। तो ये देखो गाइस, थोड़ा आगे हो गया मैं तो यार यहाँ से व्यू आता है, पूरा स्कूल का टेरेस का व्यू आता है, और यहाँ का नीचे का व्यू आता है, देख सकते हो आप। तो गाइस हमारी प्लेस नंबर 1 भी यहीं पे है, मतलब सेम ऐसी है, बस थोड़ी सी जगह अलग है। तो वहाँ पे चलते हैं अभी हम। तो भाई लोग, आपको वही टेरेस पे आना है, और उसी टेरेस से दूसरे एंगल से आप जा सकते हो दूसरे पेड़ पे। मतलब ये भी यार आप सब लोग को पता ही होगा, लेकिन यार ये मैं यहाँ पे आके बैठता था। तो देखो सिंपल सी जंप करने और आप आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ से यार यहाँ से मस्त व्यू आता है मतलब ये साइड का। पर अगर ये अगर जगह किसी को पता होगी, मतलब आपके एनिमी को, आपके अपोनेंट को अगर ये जगह पता होगी, तो ये पेड़ पे आप मतलब स्पॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो जो पहले हम जो पेड़ पे बैठे थे, वहाँ पे स्पॉट बंदा होता नहीं है। मतलब आप वहाँ पे बहुत ऊपर ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पत्ते वत्ते बहुत ऊपर दिखता नहीं है। तो गाइज़ आई होप यार आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दो यार। थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई के लिए, और अपने 500 सब्सक्राइबर यार फटाफट अपने को कंप्लीट करने, टूर्नामेंट रखने यार, अपने को मज़ा आएगा। और गाइज जो भी सीज़न 12 में रैंक पुश कर रहे हैं, तो भाई मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और एक बात बताना चाहता हूँ यार, ये वीडियो देख के आप पूरी कैंपिंग ही मत करना। मतलब गाइज मैं इतनी भी कैंपिंग नहीं करता था कि यार मैच में जाने के बाद जाके सीधा बैठ जाओ यार। मैं 2-4 किल कर लेता था, जिसके वजह से मेरा टॉप 10 में भी आ गया, तो मेरा प्लस अच्छा खासा हो। तो यार आप मस्त 2-4 किल करिए, फाइट लीजिए, और आपका पार्टनर मर गया या फिर अदर कोई आपको प्रॉब्लम होगी कि आप फाइट नहीं कर सकते, आपका पिंग इशू चल रहा है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम, तो यार आप ये प्लेसेस यूज़ करिए, और ये प्लेसेस आपको बहुत काम आ सकती है। मतलब आपने अगर अच्छा यूज़ किया तो यार बहुत काम आ सकती है, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा काम आई ये प्लेसेस। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे प्यार दिखाइए यार अपने भाई के लिए। बाय बाय।